पिछले कई सालों से सिडको के विभिन्न भूखंडों पर अनेक प्रकारों के सामाजिक सुविधा नए तौर से उभर कर आई है। दौरान संबंधित भूखंडों का उपयोग सद्य स्थिति में सही तौर से किया जा रहा है क्या, इनके कागजातों की जांच करने की आवश्यकता निर्माण हो चुकी है। इस बात को ध्यान में लेते हुए सिडको के संकेत स्थल पर सामाजिक सुविधा भूखंडों की जानकारी मुहैया करने की जानकारी गुरुवार को सम्पन्न हुई संवाददाता सम्मेलन में दी गयी। सिडको व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया, इन्होंने इस बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट की। हमने जितने सोशल फैसिलिटी के प्लॉट दिए आज तक, वो सारे के सारे प्लॉट्स की हर प्लॉट की पूरी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल दी है, किसको दिया, कब दिया, एग्रीमेंट में क्या क्या मेन पॉइंट्स थे और क्या कोई वायलेशंस हुई है, क्या फोटोग्राफ्स हैं, क्या ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है। इससे हमारी ये उम्मीद है कि जिस तरह से हम विजिलेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, सारे सिटीजन्स और प्रेस हमारे साथ विजिलेंट होगी और इसके बारे में हम आगे के एक्शन ले सकेंगे। सिडको के सामाजिक सेवा भूखंड प्रदान करने के कृति में पारदर्शकता स्पष्ट करते हुए इसके अलावा भूखंडों की सद्य स्थिति और उसका होने वाला उपयोग, इस पर ध्यान बटोरते हुए इन भूखंडों का गैर इस्तेमाल रोकने के लिए ये सुविधा महत्वपूर्ण होने का विश्वास सिडको द्वारा जताया गया। जॉइंट मीटिंग हुई है हमारी आज, म्युनिसिपल कमिश्नर पूरी अपनी टीम के साथ आए थे, हमारे भी अतिक्रमण विरोधी लोग थे, तो उसके अंदर जो निर्णय हुआ वो ये कि जो उनके हेड हैं इंक्रोचमेंट रिमूवल के अंकुश चौहान और हमारे जो हैं मिस्टर मसे, इनकी एक जॉइंट कमेटी बनाई है जो NMMC एरिया में सिडको के प्लॉट्स पे अतिक्रमण हुए हैं वहाँ पे हम जॉइंट ऑपरेशंस लेंगे। इसके अलावा हम बाउंड्री वॉल उन सब प्लॉट्स के ऊपर बनाने वाले हैं और बोर्ड वहाँ पे लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगाए जाएंगे। इस समय सिडको की सह व्यवस्थापकीय संचालिका वी राधा, इनके साथ अधिकारी वर्ग भी उपस्थित था। वीडियो जर्नलिस्ट प्रणित कापसे, इनके साथ मोइनुद्दीन जेडी, इनकी रिपोर्ट।